ये मुख्तसर दो चार पैगाम थे, इनको फौरी तौर पर पहुंचा दें। और खास तौर पे जितने धरने उर्वो जवार में या पाकिस्तान के किसी कोने में इस धरने के अलावा चल रहे हैं, उन सबको खत्म करके मरकजी धरने में पहुंचे कि मरकजी धरना यही है, ये मरकज का हुक्म है कि कोई धरना इस धरने के अलावा नहीं होगा। आपने इसी धरने में पहुंचना है। ये धरना फैसला करेगा कि जनाब आला आपने क्या करना है। आप सबकी ये जिम्मेदारी है कि जितने भी साथी हैं पाकिस्तान के किसी कोने में धरना अगर जारी है तो वो धरना खत्म करके मरकजी धरने में पहुंचे। और दूसरी गुजारिश ये हमने की थी कि हमारे अमीर मोहतरम साहबजादा मोहम्मद साद हुसैन रिजवी साहब जेल में बैठ के या उलमा में कहीं बैठ के इस जगह के अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कहें कि धरना उठा दो तो हमने धरना उठाना। ये हमारी मुलाकात की कमेटी सारी मिलके इस जगह के अलावा किसी बंद कमरे में या किसी जगह गाड़ी में बैठ के कहे कि जनाब आप लोगों ने धरना उठा देना है तो हमने उठना। बस ये दो चार चीजें आपने जहन में रख ली। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और आप डॉक्टर साहब एक दो ऐलान और समाप्त करवाए कि उजाड़े के एक जख्मी है खास साहब, उनका बाजू टूटा है। कल से इसी जुल्म और तशद्दुद और बर्बरियत की जो दास्तान रकम की दार हुक्मरानों ने तो उस भाग दौड़ के अंदर चूंकि जख्मी उनका बाजू टूट चुका था, हमने उनको हॉस्पिटल भेजा। तो इस दौरान उनकी बेटी जो साथ लेके आए थे 5 साल की, वो बेटी गुम हो गई है। अगर किसी साथी को वो मिले तो बराए मेहरबानी वो मंजिल पहुंचा दें। इफ्तिखार साहब उगाड़ा के तहरीक लबैक के साथी हैं, वो अपनी बेटी भी 5 साल की धरने में लेके आए थे। तो किसी साथी को यार वो अगर मिले तो मेहरबानी वो इब्राहिम मुजाहिदीन के घर पहुंचा दे। हकीकत ये है यहाँ बहुत दर्द की दास्तानें हैं कि अगर सुनाना शुरू करें तो पत्थर भी दिल भी पानी हो जाए। और इतने घरों की दास्तानें हैं कि जिनको बंदा बयान करना शुरू कर दे तो दुश्मन की भी चीखें निकल जाए। लेकिन हम सारे दर्द अपने भूल के सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि बस आओ मौला की इज्जत के नामों के ऊपर पहरा देना है। हम रहे या ना रहे, रहेगा यूं ही उनका, रहेगा यूं ही उनका, रहेगा यूं ही उनका, खड़े खाक हो जाएगा। और दूसरा ऐलान ये है कि हमारे तहरीक की साथी हैं सरफराज साहब, उनके कचरे के सिर्फ 5-6% जमीन रह गई है। उनके बड़ा साथ जहां कहीं भी है वो बड़ा कलम मरकज रहा करें या जिला अस्पताल पहुंचे। जिला अस्पताल जनाब मोहम्मद इफ्तिखार साहब अल्लाह ताला करे कि उन्हें जिंदगी अता फरमाए। आप दुआ कीजिए, शायद आपकी दुआ की बरकत से अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमा दे। अल्लाह करे कि वो जल्द से जियाब हो। लेकिन वो बार बार अपने वर्षा को कह रहे थे कि उनको बुलाया तो अभी तो खैर वो है भी बेहोशी के आलम में, तो अल्लाह करे कि अगर उन्हें होश आ जाए या खुदा का खासा कोई हमारी सोच के उलट काम हो जाए तो उनके वर्षा जो है वो जल्द से जल्द जिला अस्पताल पहुंचे। दूसरे हैं नजमुज्जमान साहब, ये वकील हैं खारिया के, तो उनके ऊपर भी तेजाब इतना वो तेजाब वाला पानी डाला गया कि इनके मुंह और जिस्म के अंदर इनके बचने के भी चांसेस कम है। ये बीमार लोग मौजूद है, इनके भी वर्षा जो है वो मरकज में रब्ता करें। और इसके अलावा जो जख्मी है, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मस्जिद जख्मियों से भरी हुई है। यूं लगता है जैसे किसी शाम या फलस्तीन की मस्जिद में, किसी जंग जदा इलाके या यमन की मस्जिद में हम जाते हैं और सारी मस्जिद जख्मियों से जनाब भरी हुई, पर हर जख्मी कहता है हमें हुक्म फरमाइए कि हम जनाब क्या कर सकते हैं। आज एक जख्मी खुदा भी के समझे क्या रहा था, मुझे डॉक्टर साहब कहने लगे इसे कहें इसे समझाए कि ये अंदर लेटे लिए लेटा नहीं है। वो कहता है कि मेरा नाता था वो सामने स्कीम मोड़ के पर मुझे वहां जाना, आप मुझे वहां पे पहुंचाए कि मैंने वहां जाना है। तो आप अंदाजा लगाएं उसको कौन से सीढ़ियों के वहां से धक्का दिया है और उस जगह से वो पता नहीं बड़े शदीद चोटों के साथ जख्मी हो गए यहाँ पहुंचा। लेकिन अभी भी वो कहता है कि मैंने आपको मौला की इज्जत और आमोद पे पहरा देना है। हम सब तब तक कायम है और आपकी बात कोई सुस्ती नहीं है। और अहलियान लाहौर, अहलियान पाकिस्तान,
आपसे भी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी थोड़ी बेदारी तो बंदा 5-10 दिन ज्यादा रख लेता है तो कम अज कम इतनी लाशें भी नहीं गिरती और इतना जुल्म भी नहीं होता। ये हर भी लगवा के चले जाने वाली जो आदत है ये आदत बड़ी खतरनाक है। यहाँ पे जो बंदे रात और सड़क पे सोते हैं इनके भी घर वाले हैं, इनके भी बच्चे हैं, इनके भी काम है, लेकिन वो सारी चीजों को भूल कर यही कहते हैं कि हम हो ना हो लजपाल करीम बाबा की इज्जत का झंडा हम उसका होते हैं। अगर आप सरकारी कस्टडी में हमारे बहुत सारे पीरों और उलमा के दरमियान भी बयान आ जाए कि मैं इनकी मौजूदगी में कहता हूं कि धरना खत्म हो गया है तो आपने उठना उसी बात। ये हमारे मुलाकात की कमेटी के सरबरा है और हजरत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद शफी कमेटी साहब साथ में मुलाकात की कमेटी के मेंबर हजरत अल्लामा गुलाम अब्बास साहिब साहब और तीसरे हमारे मेंबर हैं मुफ्ती मोहम्मद उबैर साहब, चौथे हमारे मेंबर हैं हजरत अल्लामा मोहम्मद गुलाम अब्बास जमदानी साहब। तो ये हमारे मेंबरान शूरा का भी वही ऐलान काबिले कबूल होगा जो कि इस स्टेज पे बैठ के दिया जाएगा। किसी बात कमरे के अंदर इन लोगों का बयान भी काबिले कबूल नहीं होगा। बस ये बात आपको समझानी थी, जब तक फ्रांस का सफीर दफा नहीं होता या वो करारदाद जो हमारे मोबाइल में आ गया है फ्रांस के सफीर को दफा करने के लिए जो करारदाद पेश करने का वादा हुआ था जी के साथ, जब तक वो करारदाद पेश नहीं होती और बाकी वायदा जो लिखा गया वो अपनी रूह के मुताबिक पूरा नहीं होता हम रसूलुल्लाह की नमाज़ के पहले के लिए आए हैं।